हे दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आज के इस क्लास में। मेरा नाम है चंद्रगुप्त और आप देख रहे हैं एयरबस बॉयज़। तो यार, फाइनली चैप्टर टू जो है वो आज से मैं स्टार्ट करूँगा। चैप्टर वन में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, जो भी था वो बेसिक ही था और जो आप ट्वेल्थ तक आप शायद पढ़ चुके होंगे। इसलिए मैंने उसमें तीन टॉपिक डिसाइड किया था, जिसमें से मैंने दो ही टॉपिक डिस्कस कर पाया। एक टॉपिक रह गया था, वो भी मेरी गलती नहीं है यार, वो कुछ टेक्निकल ग्लीच आ गया था जिसकी वजह से जो मेरा वॉइस था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया उस वीडियो में। मैं वीडियो बना चुका था, लेकिन अब हुआ कि एट द टाइम बिल्कुल लास्ट में मुझे पता चला कि नहीं, उसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ अमेंड नहीं कर सकता। और रात का टाइम था तो मैं शूट भी नहीं कर पाया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसी टॉपिक से, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी करते हैं स्टार्ट। तो आज का सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम आखिर है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो जहाँ भी लिफ्ट मिल रहा है आपको, जहाँ भी आपको लिफ्ट मिल रहा है, वहाँ पे बर्नौली थ्योरम एक्ट कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो बर्नौली थ्योरम जो है वो एरोडायनेमिक्स की आत्मा है, क्योंकि बिना लिफ्ट के एयरक्राफ्ट जो है वो हवा में सस्पेंड नहीं हो सकता, वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिफ्ट की वजह से ही आप जाते हैं। उतना वेट लेके एयरक्राफ्ट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो जो बैलेंस होता है वो लिफ्ट ही क्रिएट करता है। तो इतना इम्पोर्टेंस रखता है हमारा बर्नौली थ्योरम। तो आखिर बर्नौली थ्योरम है क्या? अब यहाँ पे देखो यार, बर्नौली थ्योरम जब भी पूछा जाता है, केवल ये आपके मॉड्यूल के पर्पज़ से नहीं, अगर आप इंटरव्यू में जाओ तो लगभग 10 में से आपको 4 या 5 बार आपसे ये पूछा जाता है कि बर्नौली थ्योरम होता क्या है, बर्नौली थ्योरम के बारे में बताओ। तो बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं बर्नौली थ्योरम वेंचुरी ट्यूब में जब प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी कम हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। ये एग्जांपल वो ये जो थ्योरम है उसको वो लोग बोलते हैं, तो उन्हें वो प्रॉपर आंसर नहीं मिलता जिसकी वजह से वो आपको सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये बर्नौली थ्योरम नहीं है। वेंचुरी ट्यूब अगर आप किसी को बता रहे तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। बर्नौली थ्योरम कुछ और है। बर्नौली थ्योरम का एग्जांपल है वेंचुरी ट्यूब, ठीक है? अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि एल्युमिनियम क्या होता है, तो एल्युमिनियम क्या होता है, और मैं आपको इसका जवाब दूं कि एल्युमिनियम वो मेटल होता है जो फ्लाई करता है, ये कहां तक सही है? एल्युमिनियम का एग्जांपल है एयरक्राफ्ट, वो बना होता है एल्युमिनियम का और वो फ्लाई करता है, ये है इसके पीछे का रीज़न। ये थोड़ी ना है कि मैं बोल दूँ एल्युमिनियम जो है वो ऐसा मेटल होता है जो हवा में उड़ता है, तो ये गलत है। तो वैसे ही सेम बर्नौली थ्योरम का एग्जांपल है वेंचुरी ट्यूब, वो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें, तब आपको पता चलता है कि हाँ, जहाँ पे प्रेशर बढ़ता है वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी वहाँ प्रेशर कम होगा। ये थ्योरम नहीं है, तो ये कभी आप मत बताओ। अगर एग्जांपल आपसे पूछे तब आप बोल सकते हो कि वेंचुरी ट्यूब जो है वो एग्जांपल है बर्नौली थ्योरम का। तो अब बात करते हैं बर्नौली थ्योरम है क्या आखिर। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड में, वो फ्लूड जो कंप्रेस नहीं होता हो, अब फ्लूड में क्या होता है कि आपका एयर भी आता है लिक्विड भी आता है, ठीक है? तो किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड में उसके हर एक पॉइंट पे सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। ये है बर्नौली थ्योरम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब जाके आपका वो आता है प्रेशर इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। जब इक्वेशन आप उसको सॉल्व करो इन तीनों इक्वेशन को, तब जाके आपको वो इक्वेशन मिलता है। तो मेक श्योर करना, जब भी आपसे कोई पूछे बर्नौली थ्योरम क्या है, तो आप यही बताना कि किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए उसके हर एक पॉइंट पे सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है? ये आप बताना, तब ये जाके होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई पूछे बर्नौली इक्वेशन क्या है, तो आप यही इक्वेशन बोलोगे, इसी को बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, ठीक है? ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है? इसको हम देखते हैं अब सॉल्व करके। तो अब देखते हैं बर्नौली थ्योरम। तो देखो, बर्नौली ने यही बोला था कि किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड में सम ऑफ प्रेशर, डायनेमिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी
हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यही होता है हमारा बर्नौली इक्वेशन और यही हमारा थ्योरम है, ठीक है। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, जैसे अब सपोज़ करो कि इस इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो कि h जो हाइट है अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, तो अगर इसको कंसर्न किया जाए तो अब हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा ज़ीरो इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ गया आपका, ठीक है। तो अब इस फार्मूले को लेते हैं, अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं, तो फार्मूला कुछ ये आया प्रेशर, ये आपका आ गया डायनेमिक एयर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब सपोज़ करो कि एयर जो है अगर डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, अगर एयर की वेलोसिटी अगर धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगे तो क्या होगा, तो इसमें जैसे ही एयर डिक्रीज़ होने लगेगी तो जो हमारा डायनेमिक एयर है, जो डायनेमिक एनर्जी जो हमारी है वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज़ होने लगेगी। अब ये डिक्रीज़ ये वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि सपोज़ करो कि 3+2 हमेशा कांस्टेंट है, 3+2 हमेशा कांस्टेंट है, मतलब कि ये क्या है कि ये कांस्टेंट हमेशा हमको 5 आना चाहिए। अब क्या करो कि इसकी वैल्यू जो है उसको कम कर दो, एक अगर कम कर देंगे तो अब यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये 4 नहीं होगा तो फिर हमारा कांस्टेंट 5 कैसे आएगा, अब तो नहीं आएगा। इट मीन्स कि अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक उसको मेंटेन रखने के लिए दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो डायनेमिक एनर्जी अगर जैसे ही वेलोसिटी एयर की कम होगी, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ने लगेगी, समझ में आ रहा है। ये प्रेशर है, ये स्टैटिक प्रेशर, ये डायनेमिक प्रेशर है। जैसे ही वेलोसिटी जो है वो कम होगी, जैसे ही वी का वैल्यू जो है वो कम होने लगेगा, ये तुरंत क्या होगा, ये इंक्रीज़ करने लगेगा, ठीक है। अब सपोज़ करो कि एयर जो है वो बिल्कुल रुक गई, जो एयर की वेलोसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो प्रेशर आप देख रहे हो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम प्रेशर वैल्यू को ही बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर। स्टैग्नेशन का मतलब ही आप समझ गए कि स्टैग्नेशन में ठहराव, जहाँ पे स्टैटिक प्रेशर जो है मैक्सिमम हो जाए उसी को बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक इक्वेशन आएगा, इस केस में एक इक्वेशन आएगा कि पी प्लस, अगर ये ज़ीरो हो गया, जहर से बता, अगर एयर रुक जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट की जगह स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन प्रेशर आ जाएगा, ठीक। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक फार्मूला आता है कि जो हमारा स्टैटिक प्रेशर होता है प्लस डायनेमिक प्रेशर, ये प्रेशर है प्लस डायनेमिक प्रेशर इक्वल टू हो गया आपके स्टैग्नेशन प्रेशर के, कुछ इस तरीके से, स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा आपका स्टैग्नेशन प्रेशर। ये आपको एक फार्मूला मिलता है और ये मॉड्यूल के एग्ज़ाम में अभी आता है और इसी के ऊपर वर्क करता है हमारा एक एयरक्राफ्ट का इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं ASI, ठीक है। तो वो आप आगे देखोगे, जब आप इंस्ट्रूमेंट, जब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊँगा तो उस समय आप देखोगे कि इस फार्मूले को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये जानो आप, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि डायनेमिक प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, तो डायनेमिक प्रेशर अगर पूछे तो उस समय आप देखोगे कि स्टैग्नेशन प्रेशर में से जब हम स्टैटिक प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो डायनेमिक प्रेशर होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ही जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो हमारा बर्नौली थ्योरम है उससे ये वैल्यू निकलता है कि जब हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो अगर अब सपोज़ करो कि इसकी वेलोसिटी अगर हम बढ़ाने लगे, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि हमको इधर की वैल्यू जो है उसको कांस्टेंट रखना है। तो जैसे ही आप वेलोसिटी बढ़ाओगे प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा वैसे ही वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। तो यहाँ से ये वेंचुरी में देखा गया था, ये वेंचुरी ट्यूब में देखा गया था, ठीक है। अब आप इसको याद रखना,
इस टर्म को आप याद रखना, जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लिफ्ट कैसे क्रिएट होता है, वहाँ पे आपको ये यूज़फुल है, वहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है। तो यही था बर्नौली प्रिंसिपल। तो अभी तक आपने देखा बर्नौली थ्योरम, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है एयर एंड एयर फ्लो सब सोनिक स्पीड। तो देखो हमारा जो सिलेबस है वो सब सोनिक का ही है, तो यार फ्लाइट की स्पीड को कई पार्ट में बांटा गया है, जैसे सब सोनिक स्पीड होता है, ट्रांसोनिक स्पीड होता है, सुपर सोनिक स्पीड होता है, हाइपर सोनिक स्पीड होता है, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब सोनिक है, कौन सा सुपर सोनिक है, कौन सा हाइपर सोनिक है एंड कौन सा ट्रांसोनिक है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है हमारा स्पीड ऑफ साउंड का, जो साउंड की स्पीड होती है एयर में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं, इसको पार्ट में बांटते हैं। अब आपको पता हो कि साउंड जो होता है वो ट्रेवल करता है, एयर में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी ट्रेवल करता है एंड आपका बोलते हैं सॉलिड में भी ट्रेवल करता है। तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है, साउंड के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में साउंड जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो हमको साउंड का स्पीड लेना है एयर के केस में, क्योंकि हम एयर के रेस्पेक्ट में जो भी बातें हम करेंगे वो एयर के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साउंड है वो एयर में कितना होता है। तो आपको शायद पता हो कि साउंड की स्पीड होती है इन द एयर 322 मीटर प्रति सेकेंड, ये साउंड की स्पीड होती है हमारे एयर में। लिक्विड में कुछ और हो जाएगी, सॉलिड में कुछ और हो जाएगी, क्योंकि ये मीडियम टू मीडियम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके फ्लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से कम रहेगी, उस स्पीड को बोलेंगे सब सोनिक स्पीड। तो जब आपके फ्लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड के नियर या लगभग सेम हो, तो उस स्पीड को बोलते हैं ट्रांसोनिक स्पीड। अब बात करते हैं सुपर सोनिक स्पीड। तो जब आपके फ्लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से अधिक हो, तो उस स्पीड को बोलते हैं सुपर सोनिक स्पीड, ठीक है। अब फर्दर आगे बढ़ते जाएँ तो उसको बोलते हैं हाइपर सोनिक स्पीड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब हमारे सिलेबस में जो है वो मॉड्यूल 8 के सिलेबस में सिर्फ सब सोनिक स्पीड है, सुपर सोनिक आपको, हाइपर सोनिक आपको पढ़ना पड़ेगा मॉड्यूल 11 में, जो HA का जब आप पेपर देंगे तो उसमें आपको एडवांस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये बेसिक है। तो बेसिक में हम सब सोनिक स्पीड तक देखेंगे। अब सब सोनिक और ट्रांसोनिक और ये सुपर सोनिक जो होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है जैसे ही आपकी स्पीड ट्रांसोनिक से सुपर सोनिक की तरफ जाती है, तो एयर क्या होता है, कंप्रेस होने लगता है। और मैंने आपको अभी बताया कि बर्नौली का जो थ्योरम है वो वर्क करता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो थोड़े बहुत जो चेंजेस होने लगते हैं आपके, जैसे ही आपका स्पीड जो होता है साउंड की स्पीड को क्रॉस करता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको हायर क्लास में देखेंगे, हायर स्टडी में जब हम HA पढ़ते हैं तब उसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। अभी जो आप पढ़ रहे थे वही रहता है या फिर जो बदल जाता है कुछ, तो वो आगे देखेंगे। तो अब बढ़ते हैं चैप्टर में, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसके तरफ। तो बढ़ते हैं यार अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इनर्शिया ऑफ द एयर। तो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे ऑब्जेक्ट के इनर्शिया के बारे में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। तो आपने अभी तक ये देखा, सेम वही प्रॉपर्टी एयर की भी होती है। तो अगर एयर भी फ्लो कर रही है तो फ्लो ही करती रहेगी, अगर स्टॉप है तो स्टॉप रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स ना लगाएं तब तक वो अपने इनिशियल पोजीशन को नहीं चेंज करती है, ठीक है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। और जब एयर के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड एंड डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। तो ये हो गया आपका न्यूटन का सेकेंड नियम, F=ma। तो मास ऑफ एयर पर डिपेंड करेगा कि कितना आपको फोर्स लगाना है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ भी एयर फॉलो करता है। थर्ड लॉ बोलता है आपका कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन मिलता है जब आप उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हो। तो सेम एयर में भी ये कंडीशंस होती हैं। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो आपका एयरक्राफ्ट आगे मूव नहीं करता, क्योंकि जो इंजन से हमें थ्रस्ट मिलता है वो कैसे मिलता है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ से ही मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एयर भी लॉ ऑफ मैकेनिक्स को फॉलो करता है। और ये क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स को एयर फॉलो करता है कि नहीं, तो ये बिल्कुल करता है। ये मेरे टाइम पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, एयर भी लॉ ऑफ मैकेनिक्स को फॉलो करता है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखो इसमें लिखा है एज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर नंबर 1। तो जैसा मैंने आपको बता दिया था चैप्टर नंबर 1 में ही कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, तो फ्लूइड प्रेशर एक तरह का प्रेशर होता है खुद फ्लूइड के अंदर, जो क्या करता है कि जब भी उसके कांटेक्ट में कोई सरफेस आता है उसके ऊपर बम्बार्डिंग करता है, जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है उस सरफेस के ऊपर। तो इसी फोर्स
तो जब वो फोर्स पर मीटर स्क्वायर एरिया में लगता है तो उसी को बोलते हैं प्रेशर। तो फ्लूड के अंदर एक प्रेशर होता है, इसी को बोलते हैं फ्लूड प्रेशर, ठीक है। तो ये बोल रहा है वो प्रेशर के बारे में। अब यहाँ पे दूसरा जो उसने लाइन लिखा है जो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है कि द एवरेज प्रेशर एट सी लेवल ड्यू टू वेट ऑफ एटमोसफियर इज अबाउट 101 kN/m². देखो ये प्रेशर आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपसे पूछेगा, यही क्वेश्चन देखो वो पूछेगा कि सी लेवल पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो आपको कई सारे ऑप्शन दे देंगे जिनमें से आपको ये याद रखना है। दूसरी बात ये, जब भी आप कोई भी वैल्यू जब याद कर रहे हो आप सी लेवल की, तो आपको जो यूनिट है उसका हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा ख्याल रखना है यूनिट का, क्योंकि कभी कभी होता है कि सेम ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपने पढ़ा है, और अगर आपको यूनिट जो है कन्फर्म ना हो तो आप गलती कर सकते हैं, जो कि मेरे टाइम पे हुआ था, इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है डिक्रीज प्रेशर एंड डेंसिटी विथ एल्टीट्यूड। जी हाँ, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार मॉड्यूल में आ चुका है कि इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ सर्फेस पे ज़्यादा प्रेशर कम होता है या फिर ग्राउंड या फिर एल्टीट्यूड पे। तो बिल्कुल सही इसमें आंसर आपको लगाना ये है कि अर्थ सर्फेस जो होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि द रेट एट विच द प्रेशर डिक्रीज इज मच ग्रेटर नियर द अर्थ सर्फेस देन एल्टीट्यूड। तो अर्थ सर्फेस पे प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि बिटवीन सी लेवल एंड 10,000 feet द प्रेशर हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 113 mbar टू 697 mbar। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रेशर का ड्रॉप हुआ है वो 316 mbar का प्रेशर ड्रॉप हुआ है। उसके बाद आप 10,000 से लेकर 20,000 फीट के बीच में देखो तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम, लगभग आपका प्रेशर जो है 165 mbar का डिक्रीज यहाँ पे ड्रॉप देखा गया है। उसके बाद आप देखो 70,000 एंड 80,000 के बीच में तो ओनली 17 mbar का जो है प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे ये एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है, प्रेशर जो ड्रॉप हो रहा है वो कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड, ठीक है। इसका रीज़न भी दिया है कि एयर जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है। जी हाँ, एयर जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है नियर द अर्थ सर्फेस, वो कंप्रेस होती है उनके ऊपर जो एयर होती है, मतलब एयर जो होती है वो लेयर बाई लेयर होती है, तो जो नीचे वाली लेयर होती है उनके ऊपर वाली लेयर क्या करती है उनको कंप्रेस करती है, उनको उनके ऊपर प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से वो एयर क्या हो जाती है कंप्रेस हो जाती है, और उस वजह से प्रेशर क्या होता है हमारा कम हो जाता है। तो यही क्वेश्चन वो हमेशा पूछता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है टेम्परेचर चेंजेस इन द एटमोसफियर। तो देखो क्या होता है कि अभी तक आपने देखा कि जो प्रेशर चेंज हो रहा है उसका कोई रेट नहीं है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है उसका जो ड्रॉप हो रहा था वो कम हो रहा था एज़ कम्पेयर टू अर्थ सर्फेस, ठीक है। तो ये आपने देखा, लेकिन टेम्परेचर के केस में ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर के लिए एक रेट होता है, उसी रेट से वो क्या होता है कि हमेशा डिक्रीज़ करता है, ठीक। तो टेम्परेचर प्रेशर की तरह नहीं डिक्रीज होता, कि कोई मतलब रियल डेटा नहीं है, कभी 70 हो गया, कभी 75 हो गया, ये प्रेशर की तरह नहीं होता, इसका एक रेट होता है, ये अपने एक रेट से घटता है, ठीक है। तो उस रेट को बोलते हैं लैप्स रेट, और ये आपको याद रखना है, ये लैप्स रेट के बारे में भी पूछता है कि लैप्स रेट कितना होता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि -6.5°C फॉर एवरी 1000 meter। तो जैसे जैसे आपकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी पर 1000 meter पे -6.5°C जो है वो कम होता जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे अभी ग्राउंड पे अगर 15°C है तो 1000 आप जब मीटर जाओगे, मीन्स 1 किलोमीटर जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो 15 - 6.5 = कितना हो जाएगा 9.5 आएगा, ठीक है। तो 9.5 आपका टेम्परेचर होगा 1 किलोमीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद आगे आता है कि जैसे ही आप 11,000 meter पहुँच जाते हो, इट मीन्स कि आप 11 किलोमीटर जैसे ही आप ऊपर पहुँच जाते हो, या कह सकते हैं अगर इसको फीट में चेंज किया जाए तो जैसे ही आप 36,000 feet पे पहुंच जाते हो टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है वो सबसे पहले तो आपको आ गया कि लैप्स रेट कितना होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका आता है कि वो कौन सा रीज़न होता है एटमोसफियर का, वो कौन सा पोर्सन होता है जिसमें आपका जो टेम्परेचर था वो कम हो रहा था। तो इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। देखो यहाँ पर लिखा है कि द पोर्सन ऑफ एटमोसफियर बिलो द हाइट एट विच द चेंजेस अकर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में आपके टेम्परेचर में चेंजिंग आती है। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी एरोडायनेमिक्स देने वाले हैं इस बार, जिनका फंडामेंटल अभी क्लियर नहीं है उनको ये आप सीरीज़ जो है हमारी वो सजेस्ट करिएगा।
और प्लीज़ अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।